अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ मछली के सालन की यानी कि फिश कड़ी की रेसिपी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं मछली का ये मज़ेदार सा सालन यानी कि फ़िश कड़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने फ़िश लिया, इसे अच्छे से धो लिया और क्लीन कर लिया। आप अपनी पसंद की कोई भी फ़िश ले सकते हो। देखिए एक टीस्पून ज़ीरा लिया है, हाफ टी स्पून लेंगे काली मिर्ची, एक टुकड़ा मैंने गीला नारियल लिया है, 5 से 6 हरी मिर्चें लेंगे। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। 8 से 10 लहसुन की कलियां लेंगे और ये मैंने 2 बड़े साइज़ का टमाटर था इसे रफली चॉप कर लिया है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज को भी रफली चॉप कर लेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट को हम डाल देंगे मिक्सी की जार में। हमें इसे पीसना है, इसका अच्छा सा एक फाइन सा पेस्ट तैयार करना है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं और एकदम देखिए मैंने एकदम फाइन एकदम बारीक इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। बढ़ते आगे, यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें मैंने डाल दिया है 4 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें 1/4 टीस्पून डाल देंगे मेथी दाना। उसके बाद इसके अंदर 10 से 15 मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए, हल्का सा क्रेकल कर लेंगे और इसके बाद इसमें जो हमने मसाला पीसा था ना इसे ऐड कर देंगे। ये बहुत आसान रेसिपी है, ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है, बहुत झटपट बनके मिनिमम आपको ये 15 से 20 मिनट में आपका मछली का सालन बनके रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मसाला मैंने डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे, तो 1 टेबल स्पून डाल दिया धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने डाला है ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और ये 1/2 टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर। बस अब इसे ना इसमें डाल दिया है नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। डाल के अच्छे से मसालों को मिक्स करना है, इस वक्त छींटे बहुत उड़ेंगे। तो मैंने क्या किया ना इसे ढक दिया था, मिक्स मसालों को अच्छे से पहले मिक्स कर लिया, इसके बाद इसे ढक दिया और इसके बाद है ना मैंने इसे ना बीच बीच में खोल के चलाते भी रही हूँ। देखिए मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है, पूरा ऑयल ऊपर आ गया है, तो मैंने इसमें ना 4 से 5 डाल दिया है कोकम। तो अगर आपके पास कोकम नहीं है तो आप इमली का पल्प भी डाल सकते हो, जब आपने सारे मसाले पीसा था ना उस वक्त इमली साथ में पीस सकते हो। अब इसमें 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हमारा मसाला बहुत बढ़िया सा तैयार हो चुका है। अब इसमें डालना है ग्रेवी के हिसाब से पानी, आप अपने ग्रेवी आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से डालिए। मैंने ना इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड किया था, पहले 1 ग्लास डाला, मिक्स करा मसालों को अच्छी तरीके से, उसके बाद मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी और ऐड किया था। तो आपको कितनी ग्रेवी कितनी थीन या थिक चाहिए उस हिसाब से आप पानी एडजस्ट कर लीजिए। चलिए पानी मैंने डाल दिया है, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे ना हाई फ्लेम पे एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो इसे इसमें अच्छा सा उबाल आने देते हैं। तो देखिए इसमें उबाल आते हुए 2 मिनट हो गया, 2 मिनट तक अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है और अब इसमें मैंने डाल दिया है फ़िश। तो देखिए बहुत से लोग हैं ना फ़िश को फ्राई करके भी डालते हैं, वो रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है। फ़िश कड़ी की बहुत सी रेसिपी मैंने डाला है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये मछली मैंने डायरेक्ट ऐसी ही डाली है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। मछली डाल दीजिए, इसके बाद क्या करना है ना इसे हमें बिल्कुल भी चम्मच से नहीं चलाना है, कढ़ाई को पकड़ के मैंने इस तरह से हिलाया है क्योंकि मछली क्या होती है ना बहुत नाजुक होती है, इसलिए बार बार इसमें चम्मच मत चलाइए। और ढक्कन ढक दिया है, थोड़ा सा खुला रखा है, 4 से 5 मिनट तक मछली का सालन हम पकने देंगे। और बीच बीच में मैंने 1 से 2 बार चलाया है और ये देखिए हमारी मज़ेदार सी मछली का सालन बनके तैयार हो गया है। देखा कितना आसान है, झटपट बन गया है। अब गैस का फ्लेम बंद करके मैं इसे ढक दूंगी 5 मिनट तक, इसके बाद इसे हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए देखा आपने कितना झटपट ये हमारा मछली का सालन बन गया है। आप कोई भी मछली का सालन बना सकते हो, आपकी पसंद की कोई भी फिश ले लीजिए और इस तरीके से एक बार मेरे बताए हुए तरीके से आप लोग ये सालन बना के ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। इतना ये लाजवाब बना था और इतना टेस्टी और झटपट बनने वाला ये सालन है, आप लोग इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी देखनी है ना अगर आपको, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना भूलिए मत। आप लोग वीडियो देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब आप लोग अपना फीडबैक दोगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। और ये भी ज़रूर बताइए कमेंट में कि आप लोग मेरी रेसिपी को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह फिर हाजिर होगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।